आज कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है, देख रहे हैं ना, अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 विषय शिक्षा शास्त्र का है, पूर्णांक 100, पेपर कोड है MBP। कई बच्चे MBB का पेपर मांग रहे थे और सेट 4 होगा, कई पेपर मैंने डाल दिया है आपको। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को इतना शेयर करना, इतना शेयर करना कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। बहुत पेपर डाला गया है, पहले बारीकी से चैनल को चेक करिए, पेपर ढूंढिए अपना। और बहुत बच्चे पुराना पेपर देख रहे हैं, 2024-25 का देखिए, पुराना देख रहे हो ठीक है, लेकिन मैच करेगा, ध्यान से देखिए। बहुत पेपर मैंने डाला है, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं डाल दीजिए हमारा। अरे भाई पहले ढूंढिए चैनल में, सभी पेपर मिलेंगे आपको, ठीक है। आपको शेयर करना है, अगर 5वां, 6वां, 8वां, 10 सेट चाहिए पूरा हाल, तो आपको शेयर करते रहना है, शेयर करते रहिए, बस शेयर करेंगे तो पेपर मिलता रहेगा। MBP कोड का पेपर है, कई कोड का मैंने पेपर डाल दिया है। शिक्षा सब विकल्पी है, सभी विकल्प छांटकर, सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ने वालों को क्या कहा जाता था, छात्र या विद्यार्थी। दूसरा, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, बिहार में। अंग्रेजी शिक्षा का प्रबल समर्थक था मैकाले। भूख किस प्रकार का प्रेरक है, जन्मजात। थार्नडाइक के सीखने के नियम हैं 3। निश्चित उत्तरी प्रश्न, अर्जित प्रेरक कितने प्रकार का होता है। कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया। प्राचीन शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित थी। बौद्धकालीन शिक्षा का परम उद्देश्य क्या था। भूख व प्यास किस प्रकार के प्रेरक माने जाते हैं। अति लघुती प्रश्न है, उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं। माध्यमिक शिक्षा की 4 मुख्य समस्याएं बताइए। नवोदय विद्यालय की संकल्पना क्या है। सीखना किसे कहते हैं। मध्यकालीन समाज में शिक्षक की क्या स्थिति थी। अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ क्या है। अब लघु उत्तरी है सबके सामने, अंक भी कितने के हैं देख रहे हैं ना, वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। जन्मजात तथा अर्जित प्रेरकों में अंतर बताइए। मध्यकालीन शिक्षा के गुण दोषों का उल्लेख कीजिए। पुरस्कार देने के मुख्य लाभों का उल्लेख कीजिए। अधिगम प्रक्रिया के प्रथम 4 सोपानों का वर्णन कीजिए। सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। दीर्घोत्तरी प्रश्न, प्राचीन भारतीय शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य बताइए। अथवा सीखना क्या है। थार्नडाइक के अनुसार सीखने के मुख्य नियमों का वर्णन कीजिए। देख रहे हैं ना बिल्कुल, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।